Please subscribe Khabar Plus 18 for latest news and updates. केवल फॉर्मेलिटी नहीं करें, कोई भी काम हो सरकार का, हम लोग आपके साथ हैं, हम जिले के विधायक हैं, हम जिले के साथ हैं, और जिले के कोई भी समस्या होगी उसको हम विधानसभा में उठाएंगे, उसके हम किसी अधिकारी या मुख्यमंत्री से कहेंगे साहब हमारे जिले का ये काम ही काम करो, लेकिन उसको करेंगे जब जब आप इसका कोई बड़ा करके हमारे को प्रोजेक्ट दोगे कि साहब ये प्रोजेक्ट बना के दिया है हमने, इसमें ये काम होना था, ये काम क्यों नहीं हुआ, अब उस काम को हम करा के लेके आएंगे, लेकिन जब हम करेंगे नहीं केवल फॉर्मेलिटियां करेंगे तो उससे काम नहीं चलने वाला। आपको बुरा लगे आप मुझे क्षमा करना, लेकिन आगे से जो भी कार्यक्रम करें उसको धरातल पे उतारें। कोई भी चाहिए अभी दिशा की मीटिंग हो, यहाँ का अधिकारी क्यों नहीं बैठते मुझे बताइए आप, आपको मंच की स्थिति है वही सामने वाली स्थिति है, तो हम केवल फॉर्मेलिटी में विश्वास नहीं करें, हम इसको धरातल पे उतारें। हाँ टीएनडीजी इतनी बढ़िया थी, लोगों को रोजगार मिल रहा था, लेकिन टीएनडीजी यहाँ से उठ के चले गए केवल उदासीनता की वजह से, ये हमारे उद्योग विभाग की उदासीनता ही मान लो इसको, जिसकी वजह से ये हुआ। अब आपके कोई भी रोजगार करेंगे, आज अगर मान लो कोई इंडस्ट्रीज है, टोंक में कोई इतनी बड़ी इंडस्ट्रीज नहीं है जिसमें कि हम हमारे जो कोई भी कार्यकर्ता हैं या कोई भी अपना मजदूर वर्ग है उनको हम लोग उसमें रोजगार नहीं दे पा रहे, इसलिए टोंक को पिछड़ा जिला मान के चलते हैं, क्योंकि ट्रेन की सुविधा नहीं है कई सालों से, आज 70-75 साल से ट्रेन की सुविधा हो रही है, हर उसकी घोषणाएं जरूर होती है लेकिन वो अभी धरातल पे उतर नहीं पाई है, तो उससे हमारे रोजगार बढ़ेंगे। टोंक जिला जयपुर के सबसे नजदीक है, राजधानी के सबसे नजदीक है, इसके बावजूद टोंक जिला पिछड़े में बहुत ज्यादा पिछड़ापन है, उसका कारण क्या है कि हम लोग अवेयरनेस नहीं है। आज उद्योग विभाग की नीति योजनाएं, मैं कहूंगा शैतान सिंह जी से, आप इन योजनाओं को चाहे वेंडर्स के माध्यम से आप घर घर तक पहुंचाएंगे तो मैं कह दूं आपको उसमें 4 चांद लग जाएंगे। कोई सा भी उद्योग लोन आपकी बैंकिंग देती है, बैंक वाले लोन दे रहे हैं आपको, तो योजनाओं को प्रारूप आगे उतारना, वो उतार नहीं पा रहे। सरकारी नौकरी करना एक अलग चीज है, उस नौकरी में अपनी जिम्मेदारी, अपनी क्या जिम्मेदारी है उस नौकरी के प्रति, उस जिम्मेदारी को हम पूरी कर नहीं पाते हैं। ज्यादातर हमारी उदासीनता इसमें रहती है कि सुबह आ गए ऑफिस में, आ गए निकल गए, स्टाफ आया ठीक है, नहीं आया ठीक है, 4 बजे ट्रेन गाड़ी जाएगी, अपने को जयपुर पहुंचना है। तो ये प्रवृत्ति जब तक हम खत्म नहीं करेंगे जब तक इसका उद्धार होने वाला नहीं है। हमारी जवाबदेही क्या है, जिस ड्यूटी पे जिस नौकरी को हम कर रहे हैं उसके प्रति जवाबदेही क्या है, जब तक आपकी जवाबदेही तय नहीं होगी जब तक आप कुछ नहीं कर पाएंगे। जनता है, जनता का काम तो वैसे ही हो रहे हैं, 80% लोग तो जनता के वैसे ही अपने आप ही होते हैं, 20% है जिनको धक्के खाने पड़ते हैं, चाहे वो राजस्व का मामला हो, चाहे पीडब्ल्यूडी का हो, चाहे पानी की व्यवस्था का हो, ज्यादातर जो कि हमारा जो वर्ग है उसको अपना काम धंधे से मतलब है, हमारे कई युवा बेरोजगार है। आज टोंक में भी होगा, निवाई में भी है, मालपुरा में भी है, देवली उनियारा में भी है, नशे की इतनी लत लगी हुई है कि हम छोटे छोटे उद्योग धंधे खोलवा करके हम लोग जो हमारे युवा साथी भटक रहे हैं उनको हम रास्ते पर ला सकते हैं, लेकिन वो हम कर नहीं पा रहे। तो मेरा तो आपसे चीफ मैनेजर साहब से ये निवेदन है कि ये जो योजनाएं हैं ये सरकार के द्वारा आपका जो सारा आयोजन प्रयोजन हो रहा है निःशुल्क आप दे रहे हो, लेकिन इसको अगर आप करेंगे संख्या के हिसाब से बता दें, कोई भी आयोजन करें हम कम से कम संख्या राजीविका वाले समूह को अगर बुला लेते आप, ये किसी विद्यालय की, क्योंकि जो आने वाली पीढ़ी है किसी विद्यालय की छात्राओं की, किसी भी गर्ल्स कॉलेज को या स्कूल को शामिल कर लेते हैं, उनको ये चीजें बताएंगे, क्योंकि करना तो उन्हीं को है, हमारी युवा पीढ़ी को ये काम करना है, और उनको आप आमंत्रित करते हैं, उनसे कहते हैं कि साहब हम प्रदर्शनी लगा रहे हैं, उस प्रदर्शनी में हमारी ये है, ये हमारी हाथ शिल्प ये काम हो रहा है, ये नमकीने से बनाई जाती है, ये दुपट्टे इस तरह बनाए जाते हैं, ये चाय की इस तरह से खोली जाती है, तो वो जो पीढ़ी सीखने को मिलती है उसमें आपके 4 चांद लग जाते हैं। तो हम लोग उदासीनता के कारण मान लें या अपनी नगण्यता के हिसाब से मान लें, क्योंकि हमारी जवाबदेही है ही नहीं, हम सरकार का केवल फॉर्मेलिटी कर रहे हैं कि आपको भी ये सत्ता चलाना है इसलिए हम चला रहे हैं, वो चीज नहीं होनी चाहिए। सरकार ने कहा साहब ये सप्ताह मनाना, आपने मना दिया, इसका उद्घाटन भी हो गया, सारी योजनाएं भी हो गई, लेकिन इसका फायदा किसको मिला मुझे बताओ आप, अगर 10 पत्रकारों को यहां से निकाल दे तो हमारी संख्या 30-35 के आसपास थी, इसको कौन देखेगा,
हम लोग इसको धरातल पे उतार नहीं पाते हैं, क्योंकि फॉर्मेलिटी जिसको अपन कहते हैं अंग्रेजी के अंदर, हम सिर्फ फॉर्मेलिटी करते हैं। फॉर्मेलिटी करने से कोई काम धरातल पर नहीं उतरेगा, किसी भी व्यक्ति का भला होने वाला नहीं है। हम दोस्त को जब दे रहे हैं जब हम सही हो। बैंक वालों को हम कहें भाई आप लोन क्यों नहीं दे रहे हो, तो वो योजना लेके जाएगा तो लोन देंगे ना वो। तो मेरा अगली बार जब भी कभी कोई भी कार्यक्रम करें, कार्यक्रम ऐसा होना चाहिए भव्य हो। सरकार द्वारा ये योजनाएं चल रही है, केंद्र चला रही है, राज्य सरकार भी चला रही है, लेकिन इसको फॉर्मेलिटी के तौर पे नहीं ले रहे। बिला लिया, माला साफा पहना दिया, सम्मान कर दिया, इससे धरातल पे नहीं होने वाला। धरातल पे जब होगा, जब हम अंतिम छोर के व्यक्ति को उसका फायदा देंगे कि साहब आपको ये उद्योग लगाना, ये बीड़ी का उद्योग लगाना, ये मिट्टी का उद्योग लगाना, ये आपका नमकीन बिस्किट का या इसका उद्योग लगाना, पत्थर धोने का उद्योग लगाना, जब तक हम उसको धरातल पर नहीं पहुंचेंगे। मैं कह रहा हूँ आपके स्टाफ में जो भी टीम है उसके पंपलेट सफाए घर घर तक पहुंचाएं। अगर आप घर घर तक नहीं पहुंचा रहे तो अखबार के अंदर डालें उसको, हर घर में वो पेपर जाता। आज मैं कह रहा हूँ उसकी संख्या 4 गुना यहाँ होती, किसी को पता ही नहीं है कि यहाँ उद्योग मेला भी लग रहा है। मौसम खराब हो नहीं हो, उससे मौसम खराब होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस आदमी को खरीदना वो खरीदेगा ही खरीदेगा। अभी मैंने ये पूछ रहा था भाई आपकी मार्केट के रेट और यहाँ के रेट में क्या फर्क है, कह रहा साहब कुछ कंपेरेटिवली कम है। अगर क्वालिटी अच्छी मिलेगी कम पैसे लगेंगे, हर आदमी यहाँ से आपका व्यापार करेगा। दुकान वाले भी हैं, 7 दिन जगह कोई इनकम ऑफ सोर्स कुछ नहीं होगा तो ये लोग भी बैठे बैठे क्या करेंगे। इसके प्रति आपको जागरूक करना ही पड़ेगा जनता को। और जनता जागरूक कब होगी, जब ये 1000-2000 की संख्या में लोग बाग आएंगे, महिलाएं आएंगे, बच्चे आएंगे, युवा उद्यमी आएंगे, वो इसको लगाएंगे। तो आगे से इस चीज का ध्यान रखें। आप अच्छे अधिकारियों में गिनती आती है आपकी, आगे से इस काम में ध्यान देवे, केवल फॉर्मेलिटी नहीं करें। कोई भी काम हो सरकार का, हम लोग आपके साथ हैं, हम जिले के विधायक हैं, हम जिले के साथ। सब्सक्राइब करें खबर प्लस 18 को और प्रेस करें इस बेल को कि खबरों के लिए बने रहें।